आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। लोग कहते हैं कि ये फारिग लोगों का काम है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं वक्त निकाल के उस्ताद जी के पास आता हूँ। आज मौसम हो, आज फने मौसीकी में बरे सगीर पाको हिंद ने कई बड़े नाम पैदा किए, मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि खसूसन पाकिस्तान में मुनासिब हौसला अफजाई ना होने की वजह से इस फन पर जमूद तारी हो गया और यूं हमारा शानदार माजी सिर्फ किताबों और कहानियों। उस्ताद गुलाम रबानी के दिल में ये लहर अभी नहीं 50 बरस पहले उठी थी। वो दिन और आज का दिन उस्ताद जी ने अपने आप को फन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। उस्ताद गुलाम रबानी को 40 बरस कबल पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली ने अपनी शागिर्दी में लिया और फिर गुलाम रबानी ने शागिर्द होने का हक अदा कर दिया। कहने वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ नई नस्ल को सिखाने में कंजूसी बरती जाती है, मगर उस्ताद गुलाम रबानी ने इस मफरूजे को गलत साबित कर दिया। राजा बाजार के एक छोटे से कमरे में उस्ताद गुलाम रबानी की गीत संगीत एकेडमी हर नए सीखने वाले को खुश आमदीद कहती है। वो प्यास है तो ही मेरी पहली। बहुत शुक्र गुजार हूँ उस्ताद जी का, जिन्होंने मुझे काफी चीजें बताई, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है उन्होंने हमें। 27 बरस कबल उस्ताद गुलाम रबानी ने ये एकेडमी शुरू की तो सीखने वाले ढूंढे नहीं मिलते थे, तहम गुज़श्ता कुछ अरसे से फन के शैदाइयों में इजाफा हो रहा है, जो सिर्फ अच्छा गाते ही नहीं अच्छा बोलते भी। कोई भी चीज़ सुर से खाली नहीं है, आप पूरी कायनात में इस चीज़ का मुशाहदा कर लें, सुर हर चीज़ में, टेम्पो हर चीज़ के अंदर है। साज क्या कर रहा मैं, बस कतरा तक कतरा समुंदर बन सुहानी रात डल चुके, ना जाने तुम कब आओगे। फन खुशबू की तरह होता है, कैद से आजाद हो जाए तो हवा के दोष पर सफर करता है। ये खुशगमानी नहीं हकीकत है कि उस्ताद गुलाम रबानी मोहब्बत के सफर में अकेले नहीं, बल्कि कल के उस्ताद उनकी बाहों में बाहें डाले हुए हैं। हुकूमत की जानिब से मुनासिब सरपरस्ती ना होने के बायस फन की राह में कई रुकावटें हायल हैं, तहम उस्ताद गुलाम रबानी और उनके होनहार शागिर्द घुटनज़दा मुआशरे में ताज़ा हवा का झोंका हैं। एक ऐसा झोंका जो चलता रहे तो हमारी फिजाएँ मुअत्तर रहेंगी। कैमरामैन मुदस्सर दाऊद के साथ फयाज़ राजा, समा, रावलपिंडी।